दोस्तों आज हम क्रिएट करने वाले हैं नाउ एंड नेवर क्रिएटिव टाइपोग्राफिक एनिमेशन। तो मेरा बेसिक ग्राफिक्स यहाँ पे रेडी है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि मेरा एन वाला अल्फाबेट है, यहाँ पे ओ डब्ल्यू एंड ईवी आर वाला मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट लेयर है, और एक मैंने मैट यहाँ पे जनरेट किया हुआ है जो आगे जाके इन दोनों टेक्स्ट को मैं रिवील करने के लिए एज अ अल्फामेट इसको यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है, मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करने वाला हूँ। तो रेक्टेंगल शेप टूल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करने जा रहा हूँ जो मुझे ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। अब मैं पहला तो इसको अलाइन करता हूँ यहाँ पे। अब प्रॉपरली मुझे कहाँ पे चाहिए, ये एंड जहां पे है वहीं पे मुझे क्या करना है, उसको अलाइन करना है। तो शेप लेयर को सिलेक्ट कर लो और आपको क्या करना है, मूव करना है उसको यहाँ पे, और इसका ओपेसिटी थोड़ा आप कम कर लो ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली ये होना कहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा मूव करूंगा और प्रॉपर हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे इसको अलाइन कर लेते कुछ इस हिसाब से। अब अगर यहाँ पे ये सेंटर अलाइन हो चुका है तो देखो ये प्रॉपर कहाँ पे, यहाँ पे सेट हो रहा है एन के अल्फाबेट के साथ। तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो स्केल है मुझे वाई एक्सिस में थोड़ा कम करना है, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा मुझे कम करना है इसको। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा कुछ इस हिसाब से कम कर देता हूँ। तो ये बन गया। अब इसका शेड जो है मैं चूज करने वाला हूँ व्हाइट शेड, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसका व्हाइट शेड मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। अब इसका ऑपेसिटी एज इट इज वापस जैसा था पहले वैसा ही कर देते हैं, और इसका एंकर पॉइंट है मैं यहाँ पे टॉप पे शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले इसका एनिमेट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ मेन ट्रांजिशन की तरह। ये टेक्स्ट हमारा, ये शेप लेयर काम करने वाला है जो हमारे एन अल्फाबेट को आगे जाके रिवील करेगा। तो अब सबसे पहला काम क्या है, मुझे इसको एनिमेट करना है। तो हम चले आते हैं 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, और मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, इसका पोजीशन और साथ में मुझे इसका स्केल एनिमेट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले तो की दे देता हूँ, यहाँ से 10, 20 या 30 फ्रेम्स आगे चलते हैं हम लोग, और शायद से ज्यादा हो जाएगा, 20 फ्रेम्स अच्छा रहेगा। तो इन केस को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और चला आता हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर यहाँ पे। और क्या करेंगे, पहला तो इसका पोजीशन हल्का सा मैं अप लेता हूँ और मैं थोड़ा टाइटल एक्शन से इसका रेफरेंस लूंगा कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं जाना है। तो ठीक है, ये यहां तक मैं लेता हूँ ऑलमोस्ट, और मैं यहाँ पे इसका स्केल वाई एक्सिस में कर देता हूँ 0। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, और ऑल 10 नहीं बट 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम हम आगे जाएंगे, और स्केल वाला पोजीशन वाला जो है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, उसकी जगह पे हम स्केल को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे, और इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं F9 प्रेस करता हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और इसका ग्राफ का हम कुछ इस हिसाब से एडिट कर देते हैं। तो ये तो हो गया है, साथ में एक और रह गया, तो इसको भी हम कुछ हिसाब से एडिट कर लेते हैं। तो अब जो इसका एनिमेशन होगा, तो आप देख रहे हो कि इस हिसाब से ये सेटल होने वाला है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पोजीशन आता जाएगा और ये स्केल होगा अपने हिसाब से। अब मुझे इसी को 3 कलर में चाहिए टोटल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको 2 बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो ये 2 बार डुप्लीकेट हो चुका है। अब इसका जो नीचे वाला शेड है वो मुझे चेंज करना है, तो वापस मूव टूल सिलेक्ट करो, लेयर को सिलेक्ट रखना, और यहाँ से मैं जो कलर पिक करने वाला हूँ ये है मेरा कलर। अब तीसरा वाला जो सबसे बॉटम में रहेगा उसका शेड भी मुझे चूज करना है, तो मैं उसको रखूंगा जो हमारा ये ग्रीन वाला शेड है, लाइटिश ग्रीन, और जो पिस्ता शेड है उसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे तीनों शेप लेयर एनिमेट यहाँ पे हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, इनका थोड़ा शिफ्ट करना है, जो मुझे कहते हैं ना ऑफसेट करना है तीनों लेयर को। तो यहां से मैं 1, 2 फ्रेम आगे जा रहा हूँ, और आई थिंक 3 फ्रेम बेटर रहेगा। और फिर मैं क्या करूंगा, इस लेयर को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ से 1, 2 और 3 फ्रेम आगे चलते हैं, और इसको भी मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा कि एक के बाद एक जाएंगे, सबसे पहले ग्रीन आएगा, फिर मेरा ये ऑरेंज वाला, एंड उसके बाद व्हाइट वाला लेयर आएगा। तो ये एनिमेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही इनका एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो लास्ट एनिमेशन इसका खत्म होगा, अब मुझे इसको स्क्वीज करना है, एक सिंगल सिंपल लाइन में कन्वर्ट करना है बराबर एक बेस के अंदर। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लेयर पैनल में राइट क्लिक करूंगा, न्यू में जा रहा हूं, और मैं यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ एक नल ऑब्जेक्ट। अब इस नल ऑब्जेक्ट के साथ इस तीनों लेयर को क्या करने के, सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे तीनों लेयर को, जो हमारे तीनों एनिमेटेड शेप लेयर है उसको पेरेंट कर देते हैं हम नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नल का स्केल प्रॉपर्टी यहाँ पे ओपन करूंगा, यहाँ से पेज डाउन 20 फ्रेम्स आगे चलते हैं हम लोग, 15 फ्रेम रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फ्रेम में वापस आता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका वाई एक्सिस में स्केल मुझे क्या करना है, कम करना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट वाई एक्सिस में क्या कर रहे हैं, इसका स्केल कुछ कम कर देते हैं ऑलमोस्ट 4 के आसपास। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारा टेक्स्ट ऑलमोस्ट।
और नीचे के हमारे ये वाले टेक्स्ट को हम अभी हाइड करते हैं ताकि हमें ये वाला एनिमेशन पता चले। तो इसको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। तो हमारा इसका ग्राफ भी एडिट हो चुका है नल के साथ। तो भाई ये तीनों हमारे यहां तक क्या हो चुके हैं, प्रॉपर तरीके से एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये पहुंचने के बाद इन तीनों लेयर की, मतलब नीचे के जो दो लेयर है उसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। ऑलमोस्ट हम कहां से ट्रिम कर सकते हैं इसको, कि जहां पे हमारा नल का स्टार्ट हो रहा है तो इसका पोजिशन, सॉरी स्केल प्रॉपर्टी ऑन कर लेते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट एक और दो फ्रेम आगे जाने के बाद ही इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके ट्रिम कर सकता हूँ। एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये हमारा हमेशा प्रैक्टिस रहना चाहिए। ट्यूटोरियल थोड़ा स्लो हो जाएगा, चीजें बता रहा हूं इसलिए, बट ठीक है, जिसको समझना है अदरवाइज यू कैन क्विट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिसको सच में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट आगे बढ़ना है, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपके आफ्टर इफेक्ट्स रेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर भी इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब वो आराम से हो पाएगा, लोड नहीं करेगा। प्लस जब आप रैम प्रीव्यू भी करोगे, जितने लेयर जरूरी नहीं है उसको अगर ट्रिम करके उसका एरिया लिमिट कर दोगे, तो आपका वर्किंग प्रोसेस भी बहुत फ्लोलेस, मतलब एकदम आराम से चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहां से ट्रिम कर दिया। अब मुझे क्या करना है भाई, कि ये वाला एनिमेशन तो यहां से जनरेट हो रहा है सॉरी और यहाँ पे क्या होने वाला है, ये मेरा स्क्वीज होने वाला है। अब मुझे क्या चाहिए कि जब ये स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पे स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो स्केल डाउन में दिक्कत क्या हो रहा है, कि एग्जैक्टली ये जो एंकर पॉइंट होना चाहिए ना, तो मतलब मैं अगर इसका एंकर पॉइंट दिखा रहा हूं तो यहाँ पे है, और ये दोनों कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो नल का एंकर पॉइंट है वो थोड़ा कहाँ पे, इधर सेंटर पे है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है। बट दिक्कत नहीं, हमारा काम एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं है, वो आराम से पॉसिबल है कि हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि सपोज मैं क्या करूं, इसको भी सिलेक्ट रख रहा हूं, आपको दोनों चीजें यहां पे समझ में आएगी क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो आगे जाके आपको जरूरत पड़े तो आप इसका पोजीशन हल्का सा अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द नल। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो यहां से। अब मुझे क्या करना है कि इतना एनिमेशन हो गया, एन को रिवील करना। तो पहले मैं यहाँ पे एन को क्या कर देता हूँ, रिवील करता हूं, मुझे दो शेड में एन चाहिए। ठीक है, तो अब ये एन भी कहां से रिवील होगा, तो ऑलमोस्ट यहीं से, जब एक दो तीन फ्रेम हम आगे जा रहे हैं तो एन का साइज उससे छोटा ही है, तो बस यहां से हम एन को क्या करेंगे, लेयर को ट्रिम कर दिया है मैंने, यहीं से एन मेरा स्टार्ट होगा। अब इस एन को सबसे पहले तो डबल क्लिक करते हैं और उसका कलर चूज कर लेता हूं मैं, ये वाला, तो ये मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। अब क्या करते हैं, थोड़ा आगे चले जाते हैं और अपन मास्क टूल यहां से, मतलब रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर एक मास्क ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने एन को सिलेक्ट, तो यहीं पे एग्जैक्टली मेरा मास्क बनेगा, हाफ करना है मुझे इसको। तो ये मेरा मास्क यहाँ पे रेडी हो चुका है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेंटर वाला लाइन है वो अल्फाबेट को उतने एरिया में कवर करने वाला है, तो हमारा उतना काम आसान होने वाला है। ये हो गया, अब इसी लेयर को क्या कर दूंगा मैं, डुप्लीकेट कर दूंगा, उसका मास्क प्रॉपर्टी ऑन करते हैं और उसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और उसका शेड हम चूज कर लेंगे यहाँ से ग्रीन वाला। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरे सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर आपको हम प्रोसीजर भले ही सेम यूज करें, हम बेसिक लेयर प्रॉपर्टीज एनिमेशन के लिए यूज करें, बट ऑलवेज आई गिव यू सम क्रिएटिव आइडियाज। मैं हमेशा आपको एनिमेशन के क्रिएटिव आइडियाज देता हूँ, जो हमारे रेंडर भी होते हैं वो भी बहुत यूनिक और क्रिएटिव होते हैं। तो इतना जरूर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए नए नए आइडियाज मिलते रहे और उसको एनिमेट करने के अच्छे तरीके भी आपको मिलते रहे, जिससे आपका टाइम भी बचे, प्लस आपका आई कैचिंग आउटपुट भी बने और आपका क्लाइंट आपसे खुश हो। तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, खास करके कमेंट, क्योंकि मुझे ये भी पता चले कि आपके लिए कितने यूजफुल हो रहे हैं, प्लस मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा आपकी कमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इतना एनिमेशन हमारा हो चुका है, तो अभी इसको यहाँ पे लीव करते हैं। तो भाई देखो, मेरे दोनों अल्फाबेट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देखो प्रॉपर दिख रहा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट मेरे लिए ये बेटर है, मुझे अभी यहाँ पे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है कि भाई देखो एनिमेशन हमारा ऑलमोस्ट जनरेट हो गया, ये आया और स्क्वीज हुआ और मेरा एन क्या हो गया, यहाँ पे रिवील हो चुका। बट अब उसके बाद जो मेन चीज आता है, मेरे दो अल्फाबेट मुझे क्या करने हैं, यहाँ पे रिवील दो वर्ड जो है, ओडब्ल्यू एंड ईवीईआर, एवर वाला, जो हमारे पूरा एक कोट का वर्ड रेडी करेगा, नाउ एंड नेवर। अब बेसिकली मैं फ्रेंकली बता दूं, भले ये कोट एनिमेशन टाइपोग्राफी एनिमेशन हम कर रहे हैं, मैंने इसको लोगो रिवील के लिए अपने प्रोजेक्ट में बहुत रिसेंटली इसको यूज किया है, सेम इसी टेक्निक को, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हो लोगो रिवील के लिए, जैसे हम यहाँ पे टाइपोग्राफी एनिमेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरी ये
टाइपोग्राफी को रिवील करना है, एनिमेट करना है, तो सबसे पहला काम तो उसका मैट चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं वापस से जरा मूव टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया था ये सॉरी मेरे दोनों वर्ड यहाँ पे है और मैंने मेरा मैट भी आपको यहाँ पे बताया था। तो अगर मैट का शेप आपको दिखा दूं तो एन को कवर कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, जब ये स्क्वीज होने वाला है यहां से ऊपर से नीचे की तरफ, उसी टाइम पे मेरे क्या होना चाहिए, दोनों टेक्स्ट लेयर जो टाइपोग्राफीज है मेरी वो रिवील होनी चाहिए, एनिमेट होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे भाई, यहीं पे हम इसको रखते हैं, इन दोनों लेयर सॉरी ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करते हैं और इनकी पोजिशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं और दोनों को यहाँ पे की दे देंगे, पेज डाउन हम 20 फ्रेम टोटल आगे चलते हैं और यहाँ पे इनको भी क्या कर देंगे, कीज अप्लाई कर देंगे। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे चले आते हैं हम लोग और गाइस क्या करेंगे, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देंगे, बट ऑलमोस्ट हमें शिफ्ट कहाँ पे करना है, जहां पे ये दोनों हाइड हो जाए इसके पीछे, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या कर दिया, इसको शिफ्ट कर दिया है। अब हमें क्या कर देना, हमारे मैट को हाइड कर देना। तो मैट मैंने कैसे अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपने देख रहे होंगे मैंने सेट मैट रेडी करके रखा है, तो मैं आपको फिर से लगा के दिखा देता हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको पता चले। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे हम लोग, चैनल में जाएंगे और जो यहाँ पे सेट मैट करके ऑप्शन है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। अब सेट मैट आने के बाद आपको यहाँ पे पूछता है टेक मैट फ्रॉम अ लेयर, तो कौन से लेयर को हमें एज अ मैट अप्लाई करना है हमारी टाइपोग्राफी के लेयर के ऊपर, तो वो है हमारा नेवर मैट वाला लेयर। तो आपको यहां से क्या कर लेना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे तो अगर मैं अभी यहाँ पे बाहर की तरफ जाऊं तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर डाला तो टेक्स्ट हमारा दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल्फा चैनल हमें उसको इन्वर्ट कर देना है। तो जैसे मैंने इन्वर्ट कर दिया, जैसे हम अल्फा मैट और अल्फा इन्वर्टेड अप्लाई करते हैं, तो ये अल्फा इन्वर्टेड मैट मेरा अप्लाई और ये अभी यहाँ पे रिवील हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई, तो सेम मैंने ऑप्शन यहाँ पे एवर के ऊपर भी वो मैट वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई करके रखा हुआ है। ओके, अब इनको सिलेक्ट करते हैं, कीज को F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर और यहाँ पे भी सेम तरीके से मैं क्या कर दूंगा, ग्राफ को एडिट कर दूंगा। दूसरा चीज, जैसे टेक्स्ट मेरा यहाँ पे कब रिवील हो रहा था, आप देख रहे हो जैसे ये छोटा हो रहा है टेक्स्ट मेरा बाहर आ रहा है, बराबर, मुझे इतनी जल्दी टेक्स्ट बाहर नहीं चाहिए। सो ऑलमोस्ट ये जब यहां से एक फ्रेम आगे गए, ओके, बस बिल्कुल यहीं से मेरा ये क्या होना चाहिए, एनिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। तो हम सारी कीज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, नॉट सारी बट ये आगे की दो कीज, सॉरी कंट्रोल जेड एक सिलेक्ट करेंगे और इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, सॉरी अगेन पहले मूव कर दो फिर शिफ्ट प्रेस कर दो, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर जगह पे क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब दूसरा चीज मुझे क्या चाहिए, जो एवर वाला वर्ड है थोड़ा लेट स्टेडी होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा पीछे की तरफ कुछ फ्रेम ऑफसेट कर देता हूँ उसका जो लास्ट की है वो। तो हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है गाइस, यहाँ पे जरा मैं इसको टाइटल एक्शन से फटा देता हूँ और नल ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से जरा हाइड कर देते हैं और हमारा फाइनल एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कि वो दिखता कैसा। अब यहाँ पे देखो क्या दिक्कत हो रहा है, ये जो उसका स्टार्टिंग का एनिमेशन है तो वो मैट के अंदर पूरा का पूरा गया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को फिर से सिलेक्ट करते हैं और हल्का सा पीछे की तरफ हमें लेना पड़ेगा। तो ये चीजें गाइस आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, देखो अब भी एक हल्का सा दिख रहा है वो, तो मैं फिर से क्या करना, देखो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। बेसिक एनिमेटर जो भी रहते हैं, आप जैसे ग्रो कर रहे हो ना, तो अपने काम को हमेशा नोटिस करना भी आपका ही काम है, बराबर, कि आप अपने काम को बेटर तरीके से नोटिस करो। सो एक सिंपल सा कहावत है, ये मेरा मानना है, ये मैंने बनाया हो, किसी और ने पहले बोला तो मुझे नहीं पता, बट ये मेरा मानना है, वर्क लाइक एन आर्टिस्ट एंड व्यू, या फिर ऑब्जर्व लाइक एन व्यूअर, ठीक है, वर्क लाइक एन आर्टिस्ट एंड ऑब्जर्व लाइक ए व्यूअर। तो एज अ आर्टिस्ट जब काम करते हो जितना हो सके अपना बेस्ट एफर्ट डालो, और जब आप अपना आउटपुट देख रहे हो तो एज अ व्यूअर देखो जो क्रिटिसाइज करता है आपके काम को, तो आप खुद ही अपने काम में जैसे गलती निकालोगे, एज अ आर्टिस्ट आपका ग्रोथ बेटर तरीके से होगा। तो ये मेरा यहां तक का एनिमेशन हो चुका है, अब इसको एक बार फाइनल एनिमेशन को हम प्ले करके देखते हैं कि दिखता कैसा है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमारा टाइपोग्राफी एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है, हमने बहुत ही बेटर तरीके से ट्रैकमेट को यूज किया है, शेप ट्रांजिशन को यूज किया है और मास्क को यूज किया है हमारा एन अल्फाबेट जनरेट करने के लिए। सो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।